हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स को लेकर जो कि आपके लिए आ रही है विप्रो टीम की तरफ से। बताने वाले इस वीडियो में विप्रो ऑनबोर्डिंग को लेकर, विप्रो टेक्निकल ट्रेनिंग पुणे लोकेशन 30 मार्च को लेकर, विप्रो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कनेक्ट को लेकर और सबसे बड़ी अपडेट रिजेक्शन मेल को लेकर आफ्टर कंप्लीटिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा फ्रेंड, यहाँ पर अगर आप लोग विप्रो विल्प से बिलोंग करते हो, ओके सी इफ़ यू आर फ्रॉम विप्रो विल्प कैंडिडेट्स एंड इफ यू रिटर्न योर एग्जाम, ओके आफ्टर क्लियरिंग द राउंड वन एग्जाम यू आर गोइंग टू रिसीव अ एग्जाम नेक्स्ट एग्जाम मेल विच इज कॉल्ड स्टेप अप असेसमेंट एंड विच इफ यू क्वालिफाई द एग्जाम। ओके सी इफ यू रिसेंटली क्लियर द स्टेप अप असेसमेंट एंड ऑडिट इज ग्रीन मीन्स यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड योर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, यू विल बी ऑनबोर्डेड टेंटेटिवली इन मार्च इटसेल्फ। इफ स्टेप अप असेसमेंट नॉट क्लियर एंड ऑडिट इज ग्रीन, यू विल बी प्रोबेबली ऑनबोर्डेड बिटवीन अप्रैल टू जून। ओके सो बेसिकली आप लोग को इस जगह मेल देखने को आ जाएगा रिगार्डिंग योर स्टेप अप असेसमेंट जो कि अपने आपका 13 मार्च को भी होने वाले हैं। ओके विप्रो स्टेप अप असेसमेंट देख सकते हैं, मेंशन किया गया है यू डिड इट, कांग्रेचुलेशन ऑन क्लियरिंग योर ऑनलाइन असेसमेंट, इट्स टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट राउंड ऑफ विप्रो विल्प हायरिंग प्रोग्राम, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यू विल बी शॉर्टली रिस्टार्टिंग द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर विम्स स्टेप अप असेसमेंट, काइंडली फिल आउट द बिलो सर्वे कंफर्मिंग योर इंटरेस्ट एंड एबिलिटी टू शेड्यूल स्टेप अप असेसमेंट। सो आफ्टर राइटिंग योर विल्प राउंड वन एग्जाम यू आर एबल टू गेट दिस काइंड ऑफ मेल इफ ओनली इफ यू क्वालिफाई द एग्जाम। ओके एंड आफ्टर क्लियरिंग द स्टेप अप असेसमेंट यू आर डायरेक्टली going to be get a priorities mail. Okay, so this next update training location updates. Okay, so you can see my screen. Please note that your training location is Pune. Your technical training will start from 30th March 2023. You will be have to report your training location. A detailed email on your training schedule will be shared before your date of joining. Please carry your offer letter along with the government ID proof. So basically sir, किनको देखने को आए हैं? तो basically ये आप आए हैं विप्रो विप्रो में विप्रो जो कैंडिडेट्स हैं उनको देखने को आ रहे हैं विम्स एंड वेस को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट आपका है विप्रो और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कनेक्ट, थैंक यू फॉर इंटरेस्ट इन विप्रो आई विल प्रोग्राम, एज द नेक्स्ट स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस यू विल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड सर्टन डॉक्यूमेंट फॉर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, यू हैव ऑर्गनाइज अ स्पेशल वी हैव ऑर्गनाइज अ स्पेशल सेशन टू गाइड यू थ्रू एवरी स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस एंड विल हेल्प यू अंडरस्टैंड ऑल द डिटेल्स ऑफ द डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड डाउट यू विल बी एबल टू क्लियर देम टू द सेशन टू। Okay, and third most update. So here you can see. Thank you for participating in the Wipro Freshers Hiring Selection process. We have verified your all documents submitted online, and we regret to inform you that we will not able to take your candidature forward as you have not meeting the eligibility criteria as per the document submitted pursuing MCA degree, which is not as per the eligibility criteria. So friend, बता दूँ document verification के बाद बहुत सारे लोग rejection mail देखने को आते हैं। Reason being अगर आप लोग Wipro के eligibility criteria को fulfill नहीं करते तो आपको rejection mail देखने को आएंगे ही आएंगे, भले आप लोग Elite से हो, Turbo से हो या फिर Wilp से हो, whatever you are from. ओके सभी के पास रिजन मेल देखने को आएंगे ओनली इफ यू आर नॉट मीटिंग द क्रिटेरिया। ओके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसलिए बोला जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनी कंपनी हायरिंग प्रोसेस, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो ही, और हाँ आपका ग्रीन ऑडिट का मेल तभी आएगा जब आपका सारे सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा। अगर नहीं आया आपके पास ग्रीन ऑडिट का मेल, देन यू हैव टू वेट अंटिल योर ऑल डॉक्यूमेंट्स गोइंग टू वेरीफाइड। अगर नहीं होता तो आपको रिजन मेल देखने को आएगा, अगर वेरीफाई हो जाता है तो आपके पास ग्रीन ऑडिट का मेल देखने को आएगा, ठीक है। तो ये आपका अपडेट। ओके और नेक्स्ट बता दो फिर, यहाँ पर आप इसमें देख सकते हो विप्रो स्टेप अप असेसमेंट टू प्रायोरिटाइज डेट ऑफ जॉइनिंग। देखिए फ्रेंड, थैंक यू फॉर टेकिंग स्टेप असेसमेंट, हाउएवर वी हैव नोटिस दैट यू कुड नॉट मेक इट ऑट दिस टाइम। अगर आप लोग फेल होते हो तो डू नॉट वरी, इफ यू वी आर इन्वाइटिंग यू वंस अगेन टू टेक स्टेप अप असेसमेंट, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ शेड्यूलिंग बेसिस योर रिस्पॉन्स इन दिस सर्वे। तो विल वालों को देखने को आ रहे हैं, ठीक है। अब जिन लोगों का क्वालिफाई हो रहा है स्टेप अप असेसमेंट उनका क्या अपडेट है? सर सॉरी टू बॉदर यू सर, आई गॉट दिस मेल व्हेन आई एक्सपेक्ट माय ऑनबोर्डिंग सर 30th मार्च, थैंक यू सो मच सर, सो यू सून इन विप्रो। ओके तो जिनके भी क्लियर हो रहे हैं स्टेप अप असेसमेंट देख सकते हो, मैं आपको दिखा दूँ फिर इस मेल का स्क्रीन तक आप लोग क्लियर हो जाए। वी आर थ्रिल्ड टू टेल यू दैट यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर स्टेप असेसमेंट बेस्ड ऑन योर क्लियरेंस, वी आर हैप्पी टू प्रोवाइड योर ऑनबोर्डिंग विद अस, वॉच फॉर अपटू द अपडेट्स ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल एंड लेट्स स्टे कनेक्टेड। ओके तो जिनका भी स्टेप असेसमेंट कंप्लीट हो रहे हैं विल्प वालों को, उनके पास जो है 30th मार्च आप लोग ऑनबोर्डिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके तो यहाँ पर बड़ी अपडेट आ रही है, और आपका यह है रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन। बेसिकली इसमें होता क्या, जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो, लेट सपोज यू हैव ओनली 4 to 4 semester, क्योंकि विप्रो बोलती भी है कि आप पिछले 2 semester का रिजल्ट अपलोड मत करो अगर आपके पास नहीं है तो। बट क्या होता है, बहुत सारे लोगों पास अपलोड करना होता है बट आप लोग डायरेक्ट अपलोड नहीं कर सकते हो एम्बार्क या फिर उनके पोर्टल पर जाके, आपको पहले कंपनी मेल करेगी रिगार्डिंग योर एजुकेशन डॉक्यूमेंट, यू हैव टू अपलोड एंड यू हैव टू मेंशन द क्वालिफिकेशन ऑल्सो दैट करेंटली आई हैव 6 and 7 semester मार्क्सिट, और अगर आप BBTech से हो तो आपको मेंशन करना होगा करेंटली आई कंप्लीट माई डिग्री एंड आई हैव 7th and 8th semester मार्क्सिट, सो आई एम अपलोडिंग देयर एंड ऑल्सो प्लीज अटैच योर PDC सर्टिफिकेट ऑल्सो लाइक पासिंग सर्टिफिकेट। तो ये आप लोग मेल आएगा, ये मेल आने के बाद ही आप लोग जो है पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हो। आप डायरेक्ट सोचो कि
क्योंकि मैं एक्सेस कर लूंगा साइट को, तो ये आपके व्हाट्सएप में नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी आपका क्लासिफिकेशन का मिलेगा तभी आप लोग पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स को फिर से अपलोड कर सकते हो, ठीक है। ये देख सकते हो, वी अप्रिशिएट योर टाइम, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू डू नॉट क्लियर द असेसमेंट, हेंस यू कैन नॉट पार्टिसिपेट ड्यूरिंग दिस टाइम, प्लीज प्लीज नोट योर ऑफर स्कॉलर ट्रेनिंग विल बी स्टिल वैलिड बेस्ड ऑन द बिजनेस रिक्वायरमेंट, वी प्लान टू इन्वाइट यू द फ्यूचर ऑनबोर्डिंग। सब लोग देख सकते हो, ठीक है, काफी बड़ी अपडेट है। ओके, विप्रो ऑनबोर्डिंग इन मार्च 23, इन 30 मार्च मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओनली इफ यू आर एडिटिंग एंड यू नॉट ऑनबोर्डिंग बिटवीन अप्रैल टू जून, मोस्टली आपका विल्प वालों को है, टर्बो वालों को मैंने पहले बता चुका हूँ, टर्बो सॉरी विल्प वालों का है और इलाइट टर्बो का मैंने आपको पहले बताया, फिर अप्रैल ऑनबोर्डिंग आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने ऑनबोर्डिंग, मैं आपको पिछले वीडियो में बहुत बार बता चुका हूँ। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर वीडियो, इफ यू हैव मोर डाउट इन कमेंट सेक्शन मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।